छोटी सी लासीज में आई है, इसके अंदर जो जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, जनरली लोगों की एक कंसर्न होती है कि बिल्डर जब कंस्ट्रक्ट करता है तो क्या क्वालिटी यूज हुई है, उनके पास कुछ उसके बहुत पुख्ता प्रूफ्स होते नहीं है और चेक करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो पहली चीज तो ये एक प्रॉपर हमारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की देखरेख में हमारी सारी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। दूसरी चीज, हम हर स्टेज पे एक्सकेवेशन से लेके कॉलम फुटिंग से लेके स्लैब कास्टिंग पे लेके हर स्टेज पे हम इसकी फोटोग्राफी कराते हैं। बिल्कुल, वो हमारे पास पूरी एल्बम इसकी रेडी है जिसमें आपको हर चीज दिखाई दे जाएगी कि इसमें कितनी कौन सा सरिया, कितना स्टील इसके अंदर फुटिंग के अंदर यूज हुआ है, क्या कितने कॉलम्स यूज हुए हैं, किस डायमेंशन के कॉलम थे, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसे हैं, स्वागत है आज आपका अपने प्रॉपर्टी चैनल में। और मैं आज आपके लिए फिर से बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। आज की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी। आज की जो प्रॉपर्टी है, खुद ऑनर एक्सप्लेन करेंगे आपको किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या इसमें आपको मटेरियल यूज देखने को मिलने वाला है, बिल्ड क्वालिटी क्या इस प्रॉपर्टी की रहने वाली है, लोकेशन क्या है, किस तरह से बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें जो है इस प्रॉपर्टी की जो ऑनर है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा जो ऑनर है इस प्रॉपर्टी के, विश्वेंद्र भैया जी। नमस्कार भैया, नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया आप कैसे? हाँ, तो ये दोस्तों ऑनर है इस प्रॉपर्टी के, सारी ही चीजें आपको यही बताने वाले हैं। तो ये करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले तो जोगीवाला चौक से सबसे पहले जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी है कहाँ पर। ये सर देवांचल बिहार के अंदर पड़ेगी, देवांचल बिहार की कनेक्टिविटी जोगीवाला चौक से डायरेक्ट 400-500 मीटर की कनेक्टिविटी है इसकी। एक रोड जोगीवाला 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, और 20 फीट का रेवेन्यू रोड इस प्रॉपर्टी पे आ रही है। उसके बाद ये 3 यूनिट हमारी तैयार हो रही है। एक पहली यूनिट जो फिनिशिंग पे हम वो अपने व्यूअर्स को जो हमारा मतलब अभी रेडी टू मूव है और वो हम पहले आपको दिखा देते हैं। अब एक चीज मैं बता दीजिए, प्रॉपर्टी के आसपास की इमरजेंसी सुविधाएं होती है, न्यूज होती है जी, कितनी है उसमें होम डिस्टेंस पे? सर विद इन 100 मीटर्स यहाँ पे मार्केट आता है, ग्रोसरी शॉप बिल्कुल हमारे यहाँ से 50 कदम की दूरी पे दो ग्रोसरी शॉप है, जो हमारी कैलाश हॉस्पिटल यहाँ से विद इन 1 किलोमीटर पड़ेगा, जोगीवाला चौक 700-800 मीटर पड़ेगा, और दूसरे कुछ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं कुछ अच्छे अच्छे जो आसपास में हैं। तो सारी जो सुविधाएं प्रॉपर्टी के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। कैलाश हॉस्पिटल आपका है, मेन हाईवे बिल्कुल आपका जो हरिद्वार बाईपास है, फिर भी आपका ऑलमोस्ट 500-600 मीटर के आपको मिलेगा। चलिए वही चलते हैं, मेन आपका यू है ये आपका रहेगा, पार्किंग भी रखी है, ये कार गैराज है सर हमारा, पूरा कार गैराज में भी प्रॉपर लाइटिंग और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का पॉइंट हमने दिया है। जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इस पूरी कंस्ट्रक्शन में हमने यूज करी है वो हेवेल्स का मटेरियल है, कोई वायर स्विच कुछ भी हेवेल्स के अलावा नहीं आता, आगे भी किसी की लड़ाई झगड़े वाली भी बात नहीं, कल के टाइम में गाड़ी हटाओ निकालो वो भी ले जाने वाला जी। एक गाड़ी गैराज में है, एक गाड़ी बाहर आप पार्क कर सकते हैं इजीली, दो गाड़ियों की पार्किंग इस यूनिट के साथ आती है। उसके अलावा इसमें हमने एक 7,500 लीटर का एक वाटर टैंक दिया है, क्योंकि 7,500 लीटर काफी स्पेसियस रहता है, 7,500 लीटर का होता है, बाकी पानी की सुविधा तो यहाँ पूरी है जोगी वाला के अंदर जी। पानी लगभग ऑलमोस्ट पूरी दिन में 4-5 घंटे रहता है जी, सप्लाई वाटर जो है वो ऑलरेडी इसमें जितनी भी यूटिलिटीज हैं, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उसके लिए हमने एक यूटिलिटी बे इसके अंदर डाला है, जो कहीं पे भी आपको कोई वायर या वो चीज बाहर आउटसाइड ऐसे लटकती हुई नहीं दिखेगी। तो
उन सब चीजों का जो भी जिस भी तरीके से हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं कोशिश करते हैं। दूसरी चीज इसमें सीसीटीवी कैमरा हमने लगा के अच्छा वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक कॉमन सीसीटीवी कैमरा हम 12 MP कैमरा लगा मैन एक पोल पे एक इलेक्ट्रिक पोल उसी पे सारे कैमरास लगे होंगे जिसका कॉमन एक्सेस रहेगा इन तीनों में तो फुल सिक्योरिटी भी आपको घर के साथ मिल जाती है। ये इसका गैराज है गैराज के अंदर वाटर पंप वगैरह और बाकी सब चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। एक अल्टरनेट स्टेयर केस भी हमने यहाँ पे दिया है इफ इन केस आप डोमेस्टिक हेल्प या फिर अपने टेनेंट्स अगर रखना चाहे तो वो भी फिजिबिलिटी है इसी में वो रेंट पर वर्क करने के लिए वो चाहिए पर उसके लिए भी अलग से दिया हुआ है। तो चलते हैं अंदर आइए। इसमें सॉलिड वुड हमने यूज किया है डोर्स में जितनी भी चौखटें डोर फ्रेम्स आप देख रहे हैं सब साल पूरा लकड़ी का काम हुआ है एक 14 फीट by 12 फीट का बेडरूम है 12 by 14 का एक बड़ा रूम उसमें और एक हिडन रूम यहाँ पे दिया है इसको आज के डेट अभी ट्रेनिंग है यूज़ से लुक देगा इसमें आप खोलेंगे एडिशनल स्टोरेज स्पेस हमारे पास नहीं है आप जैसा चाहोगे वैसा यूज कर सकते हैं इसको हम लाइब्रेरी बाहर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये नीचे जो उसका एक रूम है इसके साथ नीचे का ये सिंगल रूम मिलेगा हमारा ऑफिस स्पॉट है काफी स्पेसेस आपको मिल जाएगा और कहा आप देख सकते हैं वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का वॉल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोबारा काफी हैवी है आप देख रहे हो देखा तो साउंड होटल घर में होटल का वॉल मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टील की रेलिंग वगैरह मिल रहे हैं बाकी जो भी डिटेल है जिससे की आपको तो अभी दोस्तों हम आगे इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मैं यहाँ पर बनाएंगे अपने आप ऊपर जाकर मिलेगा जी फर्स्ट फ्लोर पे एक ब्यूटीफुल सा एरिया फैमिली लॉन्च की तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं डाइनिंग एरिया भी इसमें मिलेगा यहाँ टीवी वाले जब मैं बना के दिए और ये वॉल पे जो आप यूरोपियन पैनलिंग देख रहे हैं इसके साथ फैंसी लाइट्स का काम हमने जितनी भी यहाँ पे सीलिंग में आपको ये सब लकड़ी का काम है एक्सटेंशन वाला लगा अच्छा ये पर्मनेंट आपका मॉडर्न वाला प्रॉपर जी ये एक्सटीरियर वाला है मॉइस्चर रेजिस्टेंट है डेवलप टू नाइस पे डीमक लेकिन और जितनी भी ये डोर फैमिली मॉडल की है इनकी तरफ भी ऊपर फैमिली है ये भी एक्सटीरियर मॉडल है। तो यहां हमारे पास ये हॉल के अलावा सबसे पहले एक किचन है ये हमारा एक स्पेसिस किचन है यू शेप किचन है इसके अंदर हमने पैंट्री यूनिट दी है मग यूनिट दी है और ड्रॉर्स जो भी इसमें फिटिंग्स यूज हुई वो सब गोदरेज की सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स हमने यूज की सभी गोदरेज के अंदर है और सब 10 साल की वारंटी मतलब देख सकते हैं कि पूरे घर के अंदर चाहे हाइको आपका इलेक्ट्रिशियन का काम हो या फिर आपका वुडन का काम हो सब ब्रांडेड आपको मिलने वाला है। किचन के अंदर आपको गोदरेज की फिटिंग मिल रही है चिमनी हम इसके अंदर इंस्टॉल करके देंगे चिमनी एग्जॉस्ट फैन फैंस और ये अटैच्ड वॉशरूम
सभी वॉशरूम्स में आपको वैनिटीज मिरर्स ये सब एग्जॉस्ट फैन हम इंस्टॉल कर देते हैं। मतलब आप सभी प्रतिशत जी 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 वुडवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक्सेप्ट फर्नीचर, मतलब जो भी बेड वगैरह उस फर्नीचर के अलावा जो भी घर में रिक्वायर्ड चीजें होती हैं टीवी यूनिट्स हो या फिर स्टोरेज यूनिट्स हो वो सब हम कंप्लीट। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके थर्ड रूम की तरफ। ये इसका थर्ड बेडरूम है, ये थर्ड बेडरूम में भी एक वार्डरोब है, एक स्पेशियस सा वॉशरूम है और वेंटिलेशन है इसमें। छोड़ा हुआ है यहाँ पर आपका एल शेप्ड 25 रनिंग फिट की बालकनी है और ये काफी स्पेशियस बालकनी है, इसमें अभी काम चल रहा है उसमें। ये फोर्थ बेडरूम है मेरा और फोर्थ बेडरूम का जो साइज है वो अभी लगभग 14 फिट बाई 12 फिट। जो ऑलरेडी हमने नीचे से एक स्टेयर केस दिखा है वो इस रूम के अंदर खुलता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं टेनेंट्स के लिए बाहर से फ्रंट से इस गेट को एक्सेस करके इस पोर्शन को। दोस्तों ये है जो हमने नीचे से एक दिखाया हो कि सीढ़ियां जा रही है पार्किंग में से ही गैरेज की साइड से, तो वो इस रूम के अंदर आ रही है। यहाँ पर आप अपना रेंट ले सकते हैं और सामने से आप देख सकते हैं फ्रंट के रूम से आप थोड़ा जो दिखे हुए फोन आ रहा है तो आप जैसा चाहे रूम को वैसा यूज कर सकते हैं या गेस्ट के लिए कर सकते हैं या पर्सनल अपना बैठने के लिए भी, तो काफी अच्छे यहाँ से व्यू आपका रहता है सर जी। और काम आप देख सकते हैं चारों तरफ फैन सिल्वर प्रीमियम क्वालिटी का फैन इन्होंने यूज किया है वॉल्स पर भी और ऊपर आपको वो सिंपल रखा हुआ है जितना सिंपल होता है उतना अच्छा होता है। सीलिंग लाइट्स का काम हमने किया है बट बहुत ज्यादा फॉल सीलिंग का यूज नहीं किया। बाकी अभी चलते हैं छत पर भी छत पर कुछ है आपके लिए बहुत है जिसे भी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें। ऊपर तक देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं पूरा वुडन का आपको रेलिंग लगी है बिल्कुल ठोस एकदम पीक क्वालिटी के वुडन होते हैं उसकी पूरी रेलिंग है। यहाँ पर आपको ऊपर मंटी में आपको छोटा सा एक स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा और अभी आगे देख सकते हैं दोस्तों अपनी रूम छत पर आ गए टेरिस पर आ गए और यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट वे ने रखे हुए हैं जरा बताएंगे। टेरिस पे यहाँ अभी टफन ग्लास आना है, एक पर्गोला हमने बनाया है पर्गोला के साथ में यहाँ लगभग 10-12 लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट हमने रखे और ये डेक वाली एक फीलिंग है इसके अंदर वुडन जो प्लैंक्स हैं वो यूज हुए हैं, ये सिरेमिक हैं बट वुडन प्लैंक्स की शेप के हैं, तो ये डेक एरिया में ये सिंपल ही रहेगा रूम डालने के बाद इसको कुछ और भी करना चाहते होगा। इसमें हम लोग इसको थोड़ा जो प्लान है वो ये है कि इसमें हैंगिंग बास्केट्स होंगी थोड़े फ्लावर थोड़े प्लांटेशन टाइप का बन जाएगा। ये टेरेस गार्डन होगा कंप्लीट चारों तरफ यहाँ प्लांट्स होंगे और प्लांट्स के लिए भी वाटरिंग के लिए हमने प्रॉपर प्रोविजन रखा है। ऊपर ये किचन यूनिट है जिसके आप बारबेक्यू सेटअप भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक सिंक हम लगा के देंगे, इस सिंक से आप ऊपर प्लांट्स को पानी वानी देने में आपको प्रॉब्लम। ऊपर आपका पूरा सेटअप है, कल के टाइम कोई छोटी मोटी पार्टी भी करनी हो करेक्ट आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और आसपास का व्यू आप देख लो एक बार दोस्तों पूरा हिल व्यू आपको यहाँ से पूरा दिखने वाला और आसपास की सोसाइटी भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी डेवलप सोसाइटी है, काफी अच्छे अच्छे घर आपको देखने को मिल जाएंगे पूरा
अच्छी लोकेलिटी आपको यहाँ पर आसपास देखने को मिल रही है। ये 100% हिंदू किट वाली लोकेलिटी है और रोड भी काफी अच्छे हैं। लोकल है यहाँ के सब जानते होंगे योगी वाला कैसा एरिया है, पॉश एरिया में आते हैं एक तरह से। बाकी इसमें इस यूनिट में देखिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस था कि हम वाटर प्रूफिंग पे ध्यान दें क्योंकि देहरादून में सीपेज की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने इसमें ट्रिपल लेयर इसकी जो टेरेस से सबसे पहले जो आप देख रहे हैं अभी जो ग्राउटिंग हुई है इसके नीचे हमने स्लैब कास्टिंग के बाद 3 कोट URP के हम लगाते हैं, तो रिपेयर पॉलीमर लगाने के बाद में हम ये ग्राउटिंग कराते हैं, तो 100% सीपेज प्रूफ है। इसकी पहले टेस्टिंग होती है, हम इसमें पानी भरते हैं, टेस्टिंग करने के बाद में ये फिनिश हुआ है। प्लस जो आउटर वॉल्स जितनी भी आप देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर की, सभी आउटर वॉल्स पे डैम प्रूफ एशियन पेंट का एक प्रोडक्ट है जो कि पेंट है जो 100% सीपेज प्रूफ होता है, बाहर से वाटर को अंदर जाने से रोकता है। करेक्ट, तो वो हमने यूज किया है। तो वॉल्स भी सिक्योर्ड है, टेरेस भी सिक्योर्ड है, वॉशरूम्स की वाटर प्रूफिंग प्रॉपर है और नीचे से भी सीपेज ऊपर ना ट्रेवल करे इसलिए हमने बिटुमिन लेयर उसमें लगाई हुई है DPC के बाद, डैम प्रूफ कोर्स के बाद। और डैम DPC भी हमारा जो है वो जो जो फ्लोर की लेंथ है वहां पे हमारा प्लिंथ बीम एंड होता है, तो सीपेज नीचे से भी ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकती वॉल से, तो डैम्पनेस का पूरा ध्यान। तो दोस्तों ये आपका घर हम लेकर आए, इंडिपेंडेंट घर है काफी, आपने देखा अभी फाइनल फिनिशिंग भी इसकी चली रही है और इसके प्राइस भी हम आपको भी बताएंगे। करीबन एक बार प्राइस बताने से पहले एक बार इसकी लोकेशन फिर बता देता हूँ, ये जोगी वाला नियर जोगी वाला बिल्कुल पड़ रहा है आपको, जोगी वाला जो एरिया है आपका वो पड़ेगा मेन हाईवे से बिल्कुल नियर बाई है, आपका जो रिश्ता पूरे वहाँ से भी पास नहीं पड़ने वाला है, अपर सारथी बिहार से भी इसकी एंट्री है और आपका जोगी वाला से भी एक एंट्री है और आपकी शास्त्री इंक्लेव है यहाँ पर वहाँ से भी आपकी एंट्री है, 3 एंट्रेंस आपको इस घर के लिए मिल जाते हैं। और जैसे कि 2412 स्क्वायर फीट में बना हुआ है टोटली, हमने पहले ही बताया था, और MDD अप्रूव भी हुई है जी, MDD से हाँ, जो MDD अप्रूव भी है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा आपका लोन की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है आपके लिए। कितने तक का लोन भैया इसमें हो जाएगा लगभग, आप कितने तक का देखिए वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है बायर की बट प्रॉपर्टी पे 85% लोन इजीली हो जाएगा 80 से 85, मतलब आप 80 to 85 तक ले जाएंगे। करेक्ट, तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकल के जाएगी उस पे 80 to 85% तक आपका जो लोन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी तो बैठ कर जो बातें होंगी वो हो जाएंगी, जो आपकी प्रोफाइल होगी किस बेस पर आपका लोन होगा उस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं भैया से एक बार आपको पूछना चाहूंगा कि इसकी जो आपकी जो प्राइस है वो आप बता दें व्यूअर्स को। देखिए ये फर्स्ट यूनिट हम बड़ी एक लुक्रेटिव से प्राइस पे बेच रहे हैं, इसकी जो कॉस्टिंग रखी है वो 70 लाख रखी है, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2400 स्क्वायर फीट की बिल्ट अप एरिया जो इसका ओवरऑल आ रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लगभग 50 लाख के आसपास आ रही है, और 50 लाख की कंस्ट्रक्शन ये दिखती भी है अगर आप देखेंगे तो 50 लाख के लिए वैल्यूएशन मैंने कोई हायर एंड पे आपको नहीं बताई। दूसरी चीज ये MDDA अप्रूव्ड है, और तीसरी चीज इसमें यहाँ पे सर्कल रेट भी अच्छा खासा है, तो बैंक लोन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी टाइटल क्लियर है, म्यूटेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। दोस्तों 70 लाख रुपए डिमांड है जो कि बाकी आप अगर आपके बजट में आता है प्रॉपर्टी एक बार विजिट करिए और आपको पसंद आती है प्रॉपर्टी तो मीटिंग भी डायरेक्ट भैया से ही होगी, जैसे कि ये वीडियो में दिख रहे हैं इन्हीं से मीटिंग होगी, यानी कि कोई और मीटिंग करने आने वाला है तो डायरेक्ट ऑनर से एक तरह से घर आपको देखने को मिलने वाला है। होता क्या है लोग जेन्युइनली ऑनर से मिलाना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट ही मीटिंग कर लेते हैं, ऑनर सामने आता ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनर से मीटिंग है। 70 लाख डिमांड है, MDD अप्रूव्ड है आपका, ऊपर छत पे भी आपको गार्डन मिल रहा है, किचन मिल रही है, नीचे आपका गैराज है पार्किंग के लिए, 4 बेडरूम है तो काफी स्पेशियस आपको मिल रहा है, 2412 स्क्वायर फीट आपका पूरा है जो एरिया। और बाकी दोस्तों आपको बाकी सारी चीजें तो आपको दिखाई दी है, बाकी और भी क्वेरीज आपकी है अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स और कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। एक छोटी सी लास्ट चीज में इसके अंदर जो जो ये स्ट्रक्चर है पूरा जी, जनरली लोगों की एक कंसर्न होती है कि बिल्डर जब कंस्ट्रक्ट करता है तो क्या क्वालिटी यूज हुई है, उनके पास कुछ उसके बहुत पुख्ता प्रूफ्स होते नहीं है और चेक करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है जी। तो पहली चीज तो ये एक प्रॉपर हमारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की देखरेख में हमारी सारी कंस्ट्रक्शन होती है। दूसरी चीज हम हर स्टेज पे एक्सकेवेशन से लेके कॉलम फुटिंग से लेके स्लैब कास्टिंग पे लेके हर स्टेज पे हम इसकी फोटोग्राफी कराते हैं, बिल्कुल वो हमारे पास पूरी एल्बम इसकी रेडी है जिसमें आपको हर चीज दिखाई दे जाएगी कि इसमें कितनी
कौन सा सरिया कितना स्टील इसके अंदर फुटिंग के अंदर यूज हुआ है, क्या कितने कॉलम्स यूज हुए हैं, किस डायमेंशन के कॉलम थे, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा आपको प्रूफ दिया जाएगा घर जब से बनने स्टार्ट हुआ है यहाँ तक आया है, क्या क्या कैसे कैसे इसमें हुआ है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। इससे ज्यादा आदमी और क्या दिखा सकते हैं आपको। बाकी तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके बजट में है और आप एक बार इसे विजिट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल वीडियो शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।